सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाई गई एक रहस्यमय सभ्यता जिसका कनेक्शन हमारे हिंदू माइथोलॉजी से ज़रूर है। तो इस रहस्य को समझने के लिए ये वीडियो शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये उन दिनों की बात है जब चार्ल्स लिंडबर्ग ने होंडुरस के मस्किटा जंगलों में घूमने का प्लान किया और जब वे यहाँ पे लैंड हुए तो शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो आज की सारी रात जंगलों में ही कैंपिंग करके बिताएंगे क्योंकि उन्हें एडवेंचर्स करना बहुत ही पसंद था। चलते चलते उन्हें एक गाँव लगा। उन्होंने देखा कि उस गाँव के कई लोकल पीपल एक बहुत ही बड़े बंदर के स्टैचू की पूजा कर रहे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसी मूर्ति तो उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। इसलिए चार्ल्स लिंडबर्ग ने सालों तक इस गाँव और इस सारी मूर्तियों का रिसर्च किया लेकिन उनके हाथों कुछ भी नहीं आया। कुछ सालों बाद और एक अमेरिकन एडवेंचर थियोडोर मूर्ड ने चार्ल्स लिंडबर्ग की सारी इन इंफॉर्मेशन अकाउंट्स को इकट्ठा करके फिर से रिसर्च शुरू किया और थियोडोर मूर्ड ने 1940 में इस रहस्यमय शहर की खोज की। थियोडोर मूर्ड के रिसर्च के अनुसार पता चलता है कि इस जंगल में जितने भी लोकल लोग हैं वो इन बंदरों के मूर्तियों को ही पूजते थे जिन्होंने इन लोकल लोगों ने नाम दिया था दी मंकी गॉड्स, और ये लोकल लोग इन मंकी गॉड्स को ही अपने देव मानते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि थियोडोर मूर्ड एक लंदन के एक्सीडेंट में चले गए और उनकी सारी ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनके साथ चली गई। वैसे तो थियोडोर मूर्ड इस सभ्यता का छुपा हुआ खजाना ढूंढने आए थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सभ्यता के कई सारे रहस्य दफन हैं। जब इस जंगल इलाके की एयरबॉर्न मैपिंग की गई तो पता चला कि इस जंगल की बीचों बीच प्राचीन हाउलर मंकी गॉड की सबसे बड़ी और ऊंची मूर्ति है और इसी मूर्ति की वजह से ये इलाका जाना जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस इलाके में जितनी भी बंदरों की मूर्तियां पाई गई वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हिंदू कैरेक्टर से मिलती जुलती थी और वो है रामायण में से वायुपुत्र हनुमान। रामायण के किष्किंध कांड में एक कहानी बताई गई है कि सारे वानर धरती के चक्कर लगाते रहते हैं वानर योद्धा ढूंढने के लिए क्योंकि उन्हें सुग्रीव ने ऐसा बताया होता है कि अगर कोई बड़ा युद्ध हो तो हमें बहुत सारे वानर योद्धाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसी रामायण में युद्ध कांड में ऐसा कहा गया है कि हनुमान अपने पुत्र मकरध्वज को बचाने के लिए पाताल लोक जा पहुंचता है। आज के रिसर्चर्स का मानना है कि पाताल लोक कई सेंट्रल अमेरिका और ब्राज़ील के एरियाज में है। जब हनुमान पाताल के राजा को मार देता है और अपने बेटे को बचाकर वो मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित कर देता है, शायद इसीलिए उसी वक्त से मकरध्वज और बाकी सारे लोग हनुमान को एक भगवान की तरह पूजने लगते हैं और शायद यही कारण हो कि होंडुरस की जंगलों में सारे लोकल लोग सिर्फ और सिर्फ मंकी गॉड को ही अपना भगवान मानते हो। इस एक्सपीडिशन के आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स मैं और शायद आपके दिमाग में भी एक ही सवाल होगा कि अमेरिकन जंगल्स में किसी हिंदू माइथोलॉजी के असुर या फिर भगवान के निशान कैसे हो सकते हैं। वैसे तो इसकी कई थियोरीज है, जैसे कि सबसे पहली रामायण के अनुसार हनुमान राम और लक्ष्मण अपने पुत्र मकरध्वज को बचाने पाताल लोक जा पहुंचता है। आज के रिसर्चर्स का मानना ये है कि उस वक्त पाताल लोक का जो दरवाज़ा है वो इस होंडुरस के जंगलों के इलाकों में कहीं तो था, इसलिए शायद जब हनुमान अपने मकरध्वज पुत्र को बचाने पाताल लोक गया तो वे सब लोग इसी जंगल में से गुजरे होंगे। दूसरी थियोरी ये हो सकती है कि इसी शहर से और थोड़ी मील दूर इस जंगल में और एक सभ्यता पाई गई, माया सिविलाइजेशन, जिसका भी संबंध हिंदू माइथोलॉजी से हो सकता है। इस माया सिविलाइजेशन के सबसे बीच में एक बहुत बड़ा पिरामिड पाया गया जिसपे कई सारे क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ के कार्विंग्स की गई है।
इन चित्रों को किसी क्रोकोडाइल, किसी मगरमच्छ के राक्षस का रूप देके बनाया गया है। रामायण के अनुसार जब हनुमान मगरध्वज को बचा के पाताल लोक से बाहर निकलता है तो उसे पाताल लोक के दरवाजों से पहले एक राक्षस का सामना करना पड़ता है, और वो भी एक मगरमच्छ राक्षस ही है। कंचा, इस शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है सोना, गोल्ड। सेंट्रल अमेरिका के इन घने जंगलों में एक प्राचीन साइट है जिसका नाम है कोरी कंचा, यानी कि कोर्टयार्ड ऑफ गोल्ड। रामायण के अनुसार ये पता चलता है कि रावण की जो लंका थी वो पूरी सोने की थी, इसलिए हो सकता है कि रावण सोने की खोज में इन होंडरस के जंगलों में आया होगा। और एक थ्योरी है कि थियोडोर मूड के इस एक्सपीडिशन के दौरान उन्हें कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि स्टोन ब्लेड्स, पत्थरों के औजार, स्टोन यूटेंसिल्स और कई सारे हथियार। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन आर्टिफैक्ट्स को देख के ये लगता है कि ये जंगलों में बसी हुई एक प्राचीन सभ्यता किसी मंकी गॉड की नहीं हो सकती। उनका मानना है कि ये सभ्यता में अभी तक इन सारे गांवों में 1000-2000 साल पहले तक स्टोनहेज पीरियड के लोग यानी कि होमो सेपियंस रहते थे, और शायद वो 1000-2000 साल पहले ही यहाँ से माइग्रेट हो गए हो, इसलिए ये गांव पूरा वीरान पड़ गया हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये होमो सेपियंस हो सकते हैं, क्योंकि जंगल में रखी गई जितनी भी प्राचीन मूर्तियाँ हैं अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी इन मूर्तियों के सर के ऊपर मुकुट काव किए गए हैं। और रामायण में तो सारे वानरों को मुकुट के साथ बताया गया है, जैसे कि हनुमान, सुग्रीव, ये सब लोग मुकुट पहनते थे। और अगर आप इस सभ्यता की सबसे मेन मूर्ति को देखेंगे जो कि ये है, तो आपको नज़र आएगा कि कैसे इस मूर्ति के एक हाथ में मेष पकड़ाई गई है, यानी कि गदा। तो रामायण में जैसे बताया गया है कि ज़्यादातर वानर सेना में से वानरों के पास गदा थी, जैसे कि वाली, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और कई ऐसे। तो क्या ये होंडरस के जंगलों में पाई गई सभ्यता सच में मंकी गॉड यानी कि हनुमान की हो सकती है? क्या ये सारी थ्योरीज जो मैंने आपको बताई सच में हो सकती है? क्या हिस्टोरियंस का मानना भी सच हो सकता है कि हजारों साल पहले यहाँ पे होमो सेपियंस रहा करते थे और वो जल्दी ही माइग्रेट हो गए? तो इस लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड का जो रहस्य है वो आज तक किसी ने भी नहीं सुलझाया। बहुत ही कम एडवेंचरर्स और आर्कियोलॉजिस्ट थे, जैसे कि थियोडोर मूड और चार्ल्स लिंडबर्ग, जिन्होंने इस रहस्य का पर्दा उठाना बहुत ही आसान समझा, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं आया। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा सिर्फ और सिर्फ माइथोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ।